सब भाई अपने पहले घर की याद आ रही होगी, ये देखना भाई कैसा बाइक पे पैर रख रही। रोक बिल्कुल पागल हो गया, और गाइस अभी तक तो प्रैंक स्टार्ट भी नहीं हुआ। बाय बाय बाय, रोको बाय, छोड़ के आराम से जा। रोको भाई, ये लगा कि मैं ऐसा कहीं छोड़ के भाग गया। ओए 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 ओए। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋतिक डॉक। तो गाइस ये घूम रहे सारे के सारे आप हथियारे, और गाइस इन्होंने जीना आराम कर रखा मेरा, पूरी रात भाई सोने नहीं देते। रोक सी दूध पिया देना नहीं, एक भाई है इनकी माँ ऐसी निकली या भाई ने दूध ही नहीं पिलाती। देखना भाई कैसा पागल बना रही इनका, फिर भाई मुझे पिलाना पड़े। और गाइस घूरने लग रही ना, देखना भाई कैसा घूरने लग रही। थोड़ी बहुत देर में दूध पिला दूंगा। हाँ भाई, एक बार उस पिटबुल की फीमेल से मिलवाता हूँ जो भाई कल रेस्क्यू करी थी। ये बैठी भाई सामने, इसे बाहर भी लेकर चलता हूँ। वैसा भाई एकदम से तो ठीक होने की नहीं, बट भाई ये है कि धीरे धीरे हो जाएगी। अब भाई एक बार इसे फ्रेश वगैरह करवा लूँ, फिर भाई वापस बांध दूंगा। और गाइस बार बार बाइक की तरफ भाग गए, पता नहीं बाइक की तरफ क्यों जा, शायद भाई इसलिए जा रही है। इसे भाई अपने पहले घर की याद आ रही होगी, ये देखना भाई कैसा बाइक पे पैर रख रही, किसी ने भाई ऐसे ही छोड़ दी। हाँ अगर जाओगे अपने पहले ठीक हो जा, फिर तेरा घर भी ढूंढेंगे कोई ना कोई। तो गाइस रख दे सभी पप्पीज को दूध, और गाइस आज इनका सारा का सारा सिस्टम बाहर ही करूंगा, अंदर नहीं भाई कमरे में बैठाने का। यहाँ पे तो भाई कानों में दर्द करता है मेरे, चिल्ला चिल्ला के। सिम्बा बार बार चला जाए इस गेट में, यहाँ पे भाई वो रेस्क्यू वाली फीमेल है ना, बार बार देखे कौन है। बट भाई उससे मिलवाना नहीं किसी को भी, ना सिम्बा को ना रोक्सी को, किसी को नहीं मिलवाना। रोक्सी के पप्पीज और दो तीन दिन के बाद फिर भाई बुकिंग के लिए आ जाएंगे। कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि रोक्सी के सारे पप्पीज अपने पास रखना। क्या बोला तूने? सारे के सारे पप्पीज रखना पॉसिबल नहीं है, पांच छह पप्पीज एक साथ अपने घर पर रख के देखो, फिर भाई पता चल जाएगा कितने ज्यादा परेशान कर रहे हैं। बड़े डॉग रखने में कोई दिक्कत नहीं है, ये भाई बिल्कुल भी परेशान नहीं करते। बट भाई जो ये छोटे छोटे पप्पीस हो गए ना, ये भाई पूरा परेशान कर दे, समझ रहे हो? अभी तो भाई देखो मेरे साथ खेल रहे, बट भाई पूरी पूरी रात रो रहे हैं। इसलिए नहीं रोते कि ये भूखे हो रहे, बट भाई वैसे ही बच्चे हो गए ना, इसलिए भाई चैं चैं कर रही है। कभी भाई इनका खेलने का मन करे, कभी रोने का मन करे। और गाइस अभी ओनली बुकिंग के लिए आएंगे, सेल के लिए भाई वैक्सीनेशन होने के बाद तब आऊंगे। A few inches later. तो गाइस अभी ना दोगा ऑल सेट, और गाइस शाम भी होगी, इन सभी का भाई घूमने जाने का टाइम भी हो गया। रोको घूमीकरण से लगा है भाई, घूमीकरण से लगा नुगरा, जल्दी लेके चल। रहा नहीं जाता, और एक देख लो मेरे पैर में बुड़ के भर रहा, ओए मान जा। अबे साले, तो गाइस अभी रोक के साथ ये देखो भाई, रोक्सी का एक पप्पी चल दिया था बाहर को। हाँ भाई कहाँ चले तू, है भाई कहाँ जाता, खेत में जाऊंगा। रोक बाहर को जा लिया था ना, इसे देख सारे के सारे आगे, छोटा पैकेट भी भाग गया। गया वैसे बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं है अब तक भाई, इसने मेरी तरफ कोई एक बार भी नहीं घूरा। गा आजा आगे को, आजा आजा आगे को, आजा नहीं। बट भाई है कि थोड़ी सी डर सी रही, कोई नहीं भाई धीरे धीरे डर भी निकल जाएगा। और गाइस आजकल कुछ ज्यादा हो रहा है ब्रीड के साथ ऐसा, मतलब बचपन से पल ले फिर भाई ना खेतों में छोड़ दे, या तो भाई पल ही ना कर रखो जब भाई बस की नहीं है, क्योंकि भाई पिटबुल ब्रीड सभी के बस की नहीं है पालना, ये भाई कोई कोई पाल सके। बचपन में तो भाई ने ब्रीड को कोई भी लिया है, बट भाई जब धीरे धीरे थोड़े से बड़े हुए हैं, और गाइस फिर ये थोड़ा सा टाइम मांग गया, अगर भाई ने टाइम नहीं मिलता फिर ये थोड़े से अग्रेसिव हो जाए, फिर भाई ना कहीं छोड़िया हुआ है इसका, तो भाई शायद एलर्जी की वजह से छोड़ा। इसीलिए भाई मैं अपनी वीडियो के थ्रू कह रहा पिटबुल अमेरिकन बुली इन ब्रीड को, भाई जिनके बस किया वही पाल लो, बाकी भाई कोई ना पाल लो इन्हें। तो गाइस अभी लविस भी आ गया, और गाइस सिद्धि जी के पास जा ली, वैसा तो भाई फ्रेंडली है। अरे नहीं पकड़ने की, पकड़ना होता पकड़ लेती अब तक। जैसा भाई कह रहा ना कि आते ही पिंडी पकड़ लगी, ये भाई सभी के अंदर डर है, क्योंकि भाई तो ये ब्रीड बदनाम होगी, सभी को ये लगा कि बुड़का भरी भर लेगी, बुड़का भी नहीं भरती है तो पकड़ ले बस, बाकी ब्रीड तो भाई बुड़का भर है, ये तो भाई पकड़ के बैठ जा। और गाइस कुछ पिटबुल या फिर अमेरिकन बुली की वजह से सारी सारी ब्रीड बदनाम हो रही, सब कुछ भाई रखने को ऊपर बात है, टाइम देने को ऊपर बात है। और गाइस पिटबुल या फिर अमेरिकन बुली क्यों एग्रेसिव हुए आज भाई इस बारे में बात करूंगा, खेत में जाकर बात करूंगा। आज भाई वाला टॉपिक क्लियर करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई काफी सारे सवाल भी आवे, और गाइस ये देख लो मेरे सामने लाइव एग्जांपल है, कोई छोड़ का भाग गया ना, मुझे भाई से देख देख गुस्सा भी आ रहा, इसके ऊपर नहीं इसके ओनर के ऊपर आ रहा, जो भाई से ही हालत में छोड़ का भाग गया। अब भाई एक बार रोक्सी के पप्पी को दूध पिला दो, फिर भाई रोक को लेकर खेत में जाऊंगा। और गाइस इस वाले को जगह नहीं मिल रही, रोक्सी को देखो कितने ध्यान से देख रही ना, रोक्सी खुद भी पिया लेकर। बट भाई इसमें रोक्सी की भी गलती नहीं है, क्योंकि भाई रोक्सी के नीचे दूध ही नहीं है, देखना भाई कैसे चिपट रहे सारे के सारे। तो गाइस होगी सारी ड्यूटी खत्म, अब भाई से लेकर चलता हूँ, चल भाई रोक। बार बार बाइक की तरफ को चल रहा, और गाइस रोक के बाइक पे बैठते ही तुरंत चिंटू आ गया। चिंटू तू भी बैठा के नहीं, चिंटू की एक आंख देखो बंद हो रही, चिंटू पवा भी कहा। तो गाइस आ गया रोक को लेकर खेत में, साथ साथ हमारा चिंटू डोन भी आ गया। बट भाई आज इन दोनों की हालत देखना कैसी हो जाएगी, चिंटू की तो खैर दिक्कत नहीं है, चिंटू तो पैदल पैदल आ जाएगा, बट भाई रोक को हमारे साथ बाइक पे बैठ कर जाना, यो भाई अपना पिछवाड़ा काला पीला ना कर ले, क्योंकि भाई सारे के सारे रास्ते गिल्ले हुए पड़े, ये भाई गंदे ना हो जा। पिटबुल अमेरिकन बुली के बारे में भाई मैं ये कह रहा था, अगर भाई कोई भी पिटबुल का पप्पी ले अच्छे से भाई मदर फादर देख कर तब परचेस करे, ऐसे ही नहीं भाई कहीं से भी ले लो, क्योंकि भाई अगर आप खुद मिक्स लाओगे वो भाई आगे चल के बच्चे भी मिक्स देंगे, उनके बच्चे भी फिर मिक्स ही आओगे, इसलिए भाई थोड़ा सा मिक्स फैल रहा आज के टाइम पे, तू समझा। और गाइस जो चीज दोगली हो ना उसके अंदर भाई दो है फालतू हो गई है, इसीलिए अटैकर बन जाए, वरना भाई ये ब्रीड बहुत शांत और लॉयल है, ये भाई बिल्कुल भी अटैकर नहीं है। बट भाई बहुत से लोग एक तो इन्हें अटैकर बना दे, कुछ तो भाई मिक्स की वजह से बन जाए, कुछ भाई उन्हें टाइम नहीं मिल पाता अच्छे से, फिर क्या होगा कहीं ना कहीं केस आ जाए कोई पिटबुल का, अटैक वटैक कर दे, फिर भाई ये सारी सारी ब्रीड के ऊपर खतरा आ जाए, अमेरिकन बुली पिटबुल सारी की सारी ब्रीड के ऊपर खतरा आ जा। और गाइस सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, किसी को यही नहीं पता पिटबुल और अमेरिकन बुली में क्या फर्क है, पिटबुल भाई अलग चीज है, अमेरिकन बुली अलग चीज है, ये तो भाई अमेरिकन बुली है, और गाइस जो पिटबुल है प्योर उनकी भी भाई मैं पहचान बताऊंगा, अपने भाई किसी दोस्त के पास जाऊंगा जिसके पास प्योर पिटबुल है उसकी भाई पहचान बताऊंगा क्या हुआ है। और गाइस ये
बात मैं आज इसलिए कर रहा क्योंकि भाई बहुत से लोग पिटबुल को छोड़ रहे, कुछ भाई कहीं ना कहीं से केस आ जाए पिटबुल का अटैक करने का, इसलिए भाई मैं अपनी वीडियो के थ्रू कह रहा अगर भाई पालो तो प्योर चीज पालो, कहीं ना कहीं मिक्स पालो के फ्रेंडली तो वो भी हो जाओगा टाइम के साथ साथ भाई सब ठीक हो जाए, बट भाई फिर भी प्योर चीज को फ्रेंडली करने में ज्यादा आसान नहीं हुआ, समझ रहे हो। बहुत देर होगी पिटबुल के बारे में बातचीत, और गाइस सबसे बढ़िया ब्रीड हमें तो ये लगी देसी ब्रीड, सबसे बेस्ट है भाई, सबसे लॉयल है ना भाई, बीमार होते और गाइस वैसे भी इनका कुछ भी इतना ज्यादा खर्चा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर भाई किसी को पालना हो तो भाई देसी डॉग पाल लो, इनसे बढ़िया भाई कुछ नहीं है, एक बार भाई पाल के देखो सारी की सारी ब्रीड भूल जाओगे, क्योंकि भाई मेरे पास 12 साल देसी डॉग रहा, मुझे पता भाई कितने ज्यादा लॉयल हो गए पिटबुल और अमेरिकन बुल्ली को, तो भाई पालो जिनके पास बड़ा सा स्पेस हो, मतलब ठीक ठाक सा घर हो और गाइस घुमाने फिराने को ठीक ठाक जगह हो, ये ब्रीड भाई ऐसी नहीं है कहीं भी कोने वगैरह में बांध कर छोड़ दी, समझ रहे हो। तो गाइस अब रोक के साथ एक प्रैंक करता हूं, और गाइस देखना थोड़ी बहुत देर बाद कैसा बिल्कुल पागल सा हो जाएगा जब भाई मैं से इग्नोर करूंगा, भाई को ज्यादा आगे नहीं लेकर जाने का वरना भाई फिर पीछे से भाग का होगा, और गाइस भागना इसका भी मना है, डॉक्टर ने मना कर रखी, रोक तो भाई अभी से ही पागल हो गया, हाँ रोको कौन है तू, मैंने जानता तुझे बिल्कुल पागल हो गया, और गाइस अभी तक तो प्रैंक स्टार्ट भी नहीं हुआ, यो तो भाई टायर को बिल्कुल खाने को हो गया, क्या हो गया छोड़ के थोड़ी देर था मत जाए तो गाइस ज्यादा देर प्रैंक नहीं करता वरना भाई पागल हो जाएगा बेचारा, हाँ यही हूँ छोड़ के ना जा रहा, रोको आजा चल बैठ, आजा मेरा बाबू आजा बैठ जा, रहा नहीं जाता रोक के साथ, ज्यादा देर प्रैंक नहीं करता, ये बेचारा भाई ज्यादा ही दुखी हो गया था, देखना भाई कैसा हाँ रोक को भाई ये लगा कि मैं से कहीं छोड़ कर भाग गया, और गाइस अब रोक को घर पर छोड़ गया, फिर भाई रेडिंग को लेकर आऊंगा, चिंटू को देखो कैसे जा रहा भागा भागा, चिंटू बहुत मटक रहा, एक दो प्रैंक तेरे साथ भी करने पड़ेंगे, और गाइस चिंटू के लिए कोई प्रैंक बताना बढ़िया सा क्योंकि भाई ज्यादा ही मटक रहा, हाँ चिंटू होगा तेरे साथ भी प्रैंक होगा, ज्यादा ना खुश हो, सबर करो क्या कर पे, और गाइस अब रेड किंग को लेकर चलूंगा, और गाइस आज आसमान में पतंग उड़ रही, पतंग देखा भाई मुझे अपने बचपन की याद आ गई, लो भाई एक पतंग तो कट भी गई वो जाली भाई नीचे, पहले भाई जब मैं छोटा सा था इन पतंगों के पीछे बहुत भागा, पतंग देख कर मेरा पतंग उड़ाने का मन कर रहा, अब तो भाई रेड किंग को लेकर चलता हूँ, कल को भाई पतंग उड़ाऊंगे, एक पतंग उड़ाऊंगा एक पतंग उड़ाऊंगा, दोनों का कॉम्पिटिशन है ठीक है, रेड किंग बैठा जा जल्दी बैठ जल्दी, तो गाइस आ गया रेड किंग को लेकर खेत में, और गाइस आते खुला छोड़ दिया, दूर से दूर तक कोई भी डॉग नहीं है, बस भाई दो डॉग वहां पे बैठे हुए, बट भाई इनकी दिक्कत नहीं है दोनों की ब्रीड शांत है तो गाइस अभी रेड किंग को बांध लिया क्योंकि भाई सामने एक बहुत खतरनाक डॉग है, देखो भाई वो रहा पमेलियन का, क्या बोला तूने, छोटा सा पड़े हो बट भाई पूरा खतरनाक हो गए, ये भाई पमेलियन पूरे अटैकर हो गए, रेड किंग तू ना अटैक करिए बस, ओए 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 ओ भाई साहब ये देखना भाई कितनी ज्यादा फुर्ती इसके अंदर, बट भाई फीमेल है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, नाम पता इसका क्या है, इसका नाम है भाई पिंकी, अरे वाह नाम किसने रखा है, पापा ने तो गाइस अब रेड किंग और पिंकी को लेकर आगे चलते हैं, पिंकी ज्यादा ना डर है कुछ नहीं कहने का, रेड किंग की थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करवाते हैं, अच्छा रेड किंग चल बेटे बहुत अच्छी, ओ बॉय साहब इस बार तो शुरू से ही जंप लगाता हुआ आया, चल रेड किंग वो एक काम कर दोबारा से ऐसे ही छोड़िए, चल रेड किंग अरे पिकअप टूट गया, ओ बॉय साहब शाबाश बेटा, चल रेड किंग ओ बेटे एक नंबर की जंप लगाई, चल ओए बिल्कुल मेरे पास आ गया, और गाइस रेड किंग की बड़ी एक्सरसाइज हो जा, ऐसा भाई जंप लगा लगा के बड़ी एक्सरसाइज हो जा इसकी, तो गाइस अभी रेड किंग की रनिंग करवाते करवाते घर पर लेकर चलेंगे, और गाइस आते रेड किंग को केज के अंदर बंद कर दिया क्योंकि भाई चिंटू आ गया, चिंटू को ऊपर अभी एग्रेशन कर रहा, साले को बम से उड़ा दूंगा, और जब भाई जिम्मी जूली क्या नाम है तेरा, और गाइस अभी तक इसका नाम भी फाइनल नहीं करा कुछ, इसे भाई बाहर लेकर चलता हूँ, देखना भाई बाहर जाने को कैसे एक्साइटेड हो रही, अब तक भाई अंदर बांध रखी थी ना, तो गाइस आ गया घुमा फिरा कैसा घर पे, और गाइस आते जिम बॉय मिल गया, हाँ भाई पंजा लड़ाओगा, अरे तो यार हाल है, ओए वीडियो बनाई आज का मैं दूर कर दूं, अरे आजा लड़ा ले आजा आजा कहाँ रहा तूने, कौन है ये लोग, तो गाइस इसने वीडियो नहीं बनाई इसलिए ज्यादा उछल रहा है, अरे तू आजा ना बाजा आजा बाजा आजा 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 और गाइस आज के व्लॉग की एंडिंग भी यहीं पे करता हूँ, अब भाई एक बार मैं भी खाना वाना खा लूँ फिर भाई एडिटिंग करूंगा, तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करे शेयर करे कमेंट करे और गाइस लास्ट में सब्सक्राइब और कर देना।